बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमने डायग्राम जो है वो बनाना सीखनी है। कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करना, और डायग्राम हमने किसकी बनानी है, लैंड्सबर्गर मेथड जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसकी हमने डायग्राम को बनाना सीखना है। ठीक है जी, तो बुक के अंदर जो है छोटी डायग्राम बना रखी है, कुछ स्टेप्स उसके अंदर, कुछ पार्ट्स उसके मिसिंग है, लेकिन हमने जो है प्रॉपर पूरी डायग्राम जो है वो बनानी है, ताकि हमें नंबर जो है वो पूरे मिले और समझाने के अंदर भी आसानी रहे। ठीक है जी, बाज़ूकात यह होता है कि टॉपिक के अंदर कुछ पार्ट्स अगर मिसिंग हो तो हम जो है वो सही तरीके से समझा नहीं पाते, तो इसलिए हमने क्या करना है, पूरी डायग्राम बनानी है, ताकि हम उसके स्टेप्स को भी सही तरीके से समझा सकें कि ऐसे ऐसे ये प्रोसीजर हो रहा है। ठीक है जी, तो बुक के अंदर ये वाला जो पोर्शन है ये वाला नहीं बना हुआ, सिर्फ ये वाला पोर्शन बना हुआ है, तो आपने पूरा पोर्शन जो है वो बनाना है, पूरी डायग्राम बनानी है, और पूरी डायग्राम को एक्सप्लेन करना भी आसान रहेगा और ज़्यादा समझ में आएगी। तो सबसे पहले आपने देखना है कि जो बुक के अंदर नहीं बना हुआ हम पहले वही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने बॉइलिंग फ्लास्क को बनाना है। ठीक है जी, ये है हमारे पास बॉइलिंग फ्लास्क, इसको हमने वायर गैस के ऊपर रखा हुआ है, आयरन स्टैंड है और नीचे बंसन बर्नर है, और इसकी ट्यूब की मदद से हमने यहाँ पर जो है लिया हुआ है रोज़ हेड, ये जो सर्कल जो है जिसके अंदर क्या है हमारे पास होज मौजूद है, सुराख मौजूद है। ठीक है जी, तो ये हम क्या कहेंगे, इसे रोज़ हेड कहेंगे, और साथ में हमने थर्मामीटर लिया हुआ है। ठीक है जी, और थर्मामीटर और रोज़ हेड को हमने किसके अंदर डबो रखा है, हमने एक इनर ट्यूब जो है ली हुई है जिसके अंदर हमने अपना सैंपल सॉल्वेंट या सोल्यूशन जो है वो लिया होगा जिसके अंदर इमर्स कर रखा है, और बाहर हमारे पास क्या मौजूद है, आउटर ट्यूब है। ठीक है जी, तो अब ये डायग्राम जो है वो कैसे बनानी है तो ये हम सीख लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सबसे पहले हमने क्या बनानी है, बॉइलिंग फ्लास्क, और बॉइलिंग फ्लास्क से हमने ट्यूब निकालनी है जो कि दूसरी तरफ इनर ट्यूब के अंदर जाएगी। तो हम अपरेटस को स्टार्ट करते हैं, आपको मैं साइड पर जो है वो डायग्राम जो है वो शो करवा रहा हूँ, उसके मुताबिक ही हम लेके चलेंगे, तो आपने कंपेरिजन जो है वो करते देखते रहना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने क्या बनानी है जी, बॉइलिंग फ्लास्क जो है वो बनानी है। तो यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बॉइलिंग फ्लास्क बनाने के लिए। तो बॉइलिंग फ्लास्क इस तरह की राउंड बॉटम फ्लास्क हमने लेनी है, जिसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग फ्लास्क। बॉइलिंग फ्लास्क क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर सॉल्वेंट को बॉयल करना है। ठीक है जी, तो इस तरह की क्या होगी, राउंड बॉटम होगी, यहाँ पर इसका बॉटम जो है वो क्या होगा, राउंड होगा। ठीक है जी, तो ये राउंड बॉटम जो है फ्लास्क हमने लेनी है, और इसको हमने ऊपर से क्या कर रखा है, कॉर्क जो है वो फिट कर रखा है। कॉर्क जो है वो रबड़ का भी हो सकता है, या हमारे पास जो है वो लकड़ी का भी हो सकता है, जिसको हमने फ़िट करना है ताकि इसकी ओपनिंग जो है वो ख़त्म हो सके। ठीक है जी, उसके बीच में एक सुराख होता है, सुराख की मदद से हमने क्या करना है, हमने अपनी ट्यूब को बाहर निकालना होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, हमने अपना सॉल्वेंट जो है वो लिया हुआ है, जिसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, बॉयल करेंगे और उसके वेपर्स बना के आगे भेजेंगे, ताकि हम जो नेक्स्ट हमारा सैंपल पड़ा होगा, सॉल्वेंट भी हो सकता है या सोल्यूशन भी हो सकता है, उसको हम क्या कर सकें, हीट कर सकें। ठीक है जी, तो ये हीटिंग का मेथड है सिंपल बॉइलिंग फ्लास्क के ज़रिए। अब बॉइलिंग फ्लास्क को हमने रखा होगा, मेनली हमारे पास क्या मौजूद होती है, वायर गाज जो है वो मौजूद होती है। वायर गाज क्या होती है जी, वायर गाज जो है वो लोहे की बनी हुई जालियाँ होती है। ठीक है जी, जिसको हमने क्या करना होता है, आमतौर पर ट्राईपोर्ट स्टैंड या कोई भी स्टैंड होता है, स्टैंड के ऊपर रखते हैं, और उसको ऊपर हम उस चीज़ को रखते हैं, जैसे बॉइलिंग फ्लास्क है या कोनिकल फ्लास्क है या कोई भी अपरेटस होता है जिसको हमने हीट करना होता है, तो उसको पहले वायर गैस के ऊपर रखते हैं, तब जाकर हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या मौजूद है, वायर गैस मौजूद है। अब इस वायर गैस को हमने किस चीज़ पर रखा हुआ है, कोई भी स्टैंड होगा जिसके ऊपर हमने इन चीज़ों को रखना है, तो यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं जी, एक स्टैंड जो है वो बना लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, स्टैंड आ गया। ठीक है जी, और नीचे हमने क्या लगा रखा होगा, जाहिर सी बात है हमने इसके वेपर्स बनाने हैं, तो वेपर्स बनाने के लिए कोई भी बंसन बर्नर जो है हमने यहाँ पर लिया होगा। ठीक है जी, तो ये हम क्या ले लेते हैं, बंसन बर्नर जो है वो ले लेते हैं, और इससे क्या होगा, फ्लेम की मदद से हम क्या कर रहे होंगे, हीट कर रहे होंगे। तो ये जो बॉइलिंग फ्लास्क है, अब बॉइलिंग फ्लास्क के अंदर हमने क्या कर रखा होगा, एक ट्यूब को डिप कर रखा होगा, जहाँ से क्या बनेंगे, वेपर्स वगैरह जो बनने हैं, उस वेपर्स को हमने क्या करना है, बाहर निकालना है। ठीक है जी, तो आपने थोड़ा सा जो है ना नोटिस करना है कि ये जो हम फ्लास्क बनाएंगे, ये जो ट्यूब बनाएंगे, ये ट्यूब हमने नीचे जो है इसके अंदर डिप नहीं की। क्यों नहीं डिप की, हालांकि अगर वेपर्स को भेजना है तो यहाँ तक डिप करना चाहिए, नहीं, क्योंकि वेपर्स बनने हैं ना, तो वेपर्स तो बाहर निकलेंगे, यहाँ पर आएंगे, तो वेपर्स अगर हमें आगे भेजने हैं तो हमने थोड़ा सा ऊपर ही रखना है उस ट्यूब को, ताकि वेपर्स यहाँ से हम क्या कर सकें, कलेक्ट कर सकें। तो ये जो वेपर्स कलेक्ट होंगे और यहाँ से जो है ये होते हुए और कहाँ चले जाएंगे, ये इनर ट्यूब के अंदर चले जाएंगे। साइड पर आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी कि ये कहाँ जाने हैं, ये इनर ट्यूब के अंदर जाने हैं।
ठीक है जी। तो हम यहाँ पर जो है ना वो क्या बना लेते हैं, इनर ट्यूब जो है उसके अंदर इसको भेज देंगे जी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ गए हैं, वेपर्स आ चुके हैं, और ये वेपर्स जो है ना अब किसके अंदर इंटर हो चुके हैं, ये इनर ट्यूब के अंदर इंटर हो चुके हैं। और ये इनर ट्यूब के अंदर किस तरह निकलेंगे, यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जो कि सर्कल के अंदर होती है और पोरस होती है, और ये जो सर्कल के अंदर पोरस जो ओपनिंग होती है इसे हम रोज़ हेड कहते हैं। रोज़ हेड की ये सारी लेबलिंग जो है हम बाद में करेंगे, अभी फ़िलहाल जस्ट जो है हम अपरेटस को देख रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रोज़ हेड है। यहाँ से जो वेपर्स बनने हैं ये वेपर्स आगे जाएंगे, और ये जो इनर ट्यूब अभी हम बनाएंगे तो उसके अंदर कहाँ से जो है वो बाहर वेपर्स निकलेंगे, रोज़ हेड की मदद से उसके अंदर जाएंगे ये। ठीक है जी। उसके बाद इसके साथ ही हमने इनर ट्यूब के अंदर एक और चीज़ जो है वो इमर्स की गई होती है या लटकाई हुई होती है, और वो क्या होता है, थर्मामीटर हमारा। ठीक है जी। ये स्पेशल टाइप का थर्मामीटर होता है। स्पेशल टाइप का क्यों है, क्योंकि ये टेम्परेचर को ज़्यादा कम जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है जी। बहुत कम वाला टेम्परेचर भी ये डिटेक्ट कर सकता है, और ये कितना टेम्परेचर डिटेक्ट कर सकता है, 0.01 केल्विन, आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है पॉइंट्स के अंदर अगर आप देखेंगे। और इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए आपने क्या करना है, जस्ट पेन के ज़रिए ही आपने हल्के हल्की सी लाइनें लगा देनी है ताकि ये थोड़ा सा जो है वो खूबसूरत लगे कि थर्मामीटर एक्चुअल में ऐसा होता है। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इनर ट्यूब जो है वो बनानी है। ठीक है जी। तो इनर ट्यूब कैसे बनाएंगे जी, तो यहाँ पर हम जो है ब्लू मार्कर का इस्तेमाल कर लेते हैं, और यहाँ से जो है वो हम बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है जी, इनर ट्यूब है। अब इनर ट्यूब जो है उसको भी हमने किस चीज़ से फिट कर रखा है, कॉर्क के ज़रिए ही फिट कर रखा है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, कॉर्क आ गया है। ये पूरा जो है हमने इसको क्या कर रखा है, फिट कर रखा है। ठीक है जी। और ये जो इनर ट्यूब है आगे से कैसी जो है इसकी अपेयरेंस है, आपको साइड से भी नज़र आ रहा होगा, मतलब साइड पर जो डायग्राम चल रही है तो उससे भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन अब हम यहाँ पर जो है वो बना लेते हैं। और ये जो है यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट आपने जो है थोड़ा सा कोने से काटनी है, और यहाँ पर भी सेमी सर्कल जो है वो बनाना है, और यहाँ पर भी आपने क्या करना है, सेमी सर्कल जो है वो बना लेना है। ठीक है जी। सेमी सर्कल बनाने के बाद यहाँ पर जो है आपने थोड़ा सा सिलेंडर टाइप जो है वो स्ट्रक्चर बना के और इसको ऐसे कर देना है। ठीक है जी। तो ये बहुत खूबसूरत सी जो है वो इनर ट्यूब हमने बना ली है। अब इनर ट्यूब बनाने के बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर इनर ट्यूब के अंदर किस चीज़ को फिल करना है, हमारा जो सैंपल होगा सॉल्वेंट भी हो सकता है और सॉल्यूशन भी हो सकता है, तो दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर ही डालनी होती हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना सैंपल जो है वो डाल देते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, सैंपल आ गया है। तो सैंपल को आपने करना क्या है, आप रोज़ हेड के अंदर थोड़ा बहुत डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, मतलब शो करवा सकते हैं, लेकिन आपने थर्मामीटर के अंदर शो नहीं करवाना। ऐसा क्यों है कि आप जो है रोज़ हेड के अंदर तो शो करवा रहे हैं लेकिन थर्मामीटर के अंदर शो नहीं करवा रहे? ऐसा इसलिए है क्योंकि रोज़ हेड के अंदर तो सॉल्वेंट के वेपर्स पहले मौजूद हो सकते हैं जो कि यहाँ से आएंगे, तो इसलिए हमने ग्रीन कलर जो है रोज़ हेड के अंदर शो किया है लेकिन थर्मामीटर के अंदर शो नहीं किया। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो इनर ट्यूब है इनर ट्यूब के बाहर ही एक क्यों मौजूद होती है, आउटर ट्यूब मौजूद होती है, आपने थोड़ा सा नीचे से इसकी बाउंड्री से स्टार्ट करना है। यहाँ पर हम जो है ये इनर ट्यूब बना रहे हैं। ठीक है जी। तो ये सीधी लाइन की मदद से आपने क्या करना है, यहाँ से और यहाँ से जो है ना थोड़ा सा बस आपने क्या करना है, ज़्यादा जो है वो लंबी लाइन जो है वो नहीं खींचनी, इसके थोड़ा सा जो है वो आगे से बस आपने कर लेना है। ठीक है जी। तो यहाँ से और यहाँ से जो है ना आपने क्या करना है, इसको लेके चलना है, और जैसे ही यहाँ तक आए तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा जो है वो बेंट करके, और यहाँ से भी जैसे ही इसके सामने आएगा तो थोड़ा सा आपने क्या करना है, बेंट करके और ये लाइन और यहाँ से ओपनिंग जो है वो शो करवा देनी है। ठीक है जी। और यहाँ पर जो है आपने पेन की मदद से पहले ही क्या कर देना है, इसके साइड पर एक छोटा सा सुराख जो है वो छोड़ देना है। ठीक है जी। वो किस चीज़ के लिए होगा, कि यहाँ पर जो है वेपर्स जो बनेंगे इस सॉल्वेंट के वेपर्स, क्यों, क्योंकि हम बॉइलिंग कर रहे हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट मालूम कर रहे हैं, और बॉइलिंग के लिए क्या होगा कि वेपर्स बनेंगे, तो ये जो वेपर्स बनेंगे इसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, सुराख यहाँ से भी छोड़ा हुआ है और यहाँ से भी ओपनिंग छोड़ी हुई है ताकि हम वेपर्स को बाहर कलेक्ट कर सकें। ठीक है जी। तो ये सारा ऑपरेटर्स है। अब हम इन चीज़ों को क्या कर लेते हैं, लेबल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने किस चीज़ की बात की है जी, बॉइलिंग फ्लास्क की। ठीक है जी। बॉइलिंग
फ्लास्क है, हम मेन मेन चीज़ों को ही लेबल करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को हम लेबल नहीं करेंगे, जैसे कि वायर गाज है, बंसन बर्नर है, स्टैंड है, इन चीज़ों को, और ये ट्यूब है, तो इन चीज़ों को हम लेबल नहीं करेंगे, जो कि बुक के अंदर लेबल कर रखा है, हम वही चीज़ें जो है लेके चलेंगे। तो सबसे पहले है जी बॉइलिंग फ्लास्क। बॉइलिंग फ्लास्क के बाद हमारे पास ये वाली जो चीज़ है जो कि इनर ट्यूब के अंदर मौजूद है, इसे हम क्या कहेंगे, थर्मामीटर कहेंगे। ठीक है जी, थर्मामीटर जो है यहाँ पर लगाया हुआ है, और ये वाली जो चीज़ है जो कि सर्कल के अंदर है और सुराखदार है, तो इसे हम क्या कहेंगे जी, ये हमारे पास मौजूद है रोज़ हेड। रोज़ हेड जो है ये मौजूद है, ये जो सर्कल के अंदर हमने सुराख छोड़ा हुआ है। ठीक है जी, फिर उसके बाद ये वाला जो ग्रीन कलर की इनर ट्यूब है जिसके साइड पर एक सुराख मौजूद है, इसे हम क्या कहेंगे, इनर ट्यूब कहेंगे। ठीक है जी, इनर ट्यूब कहेंगे, और इसके जो है अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, डायग्राम के अंदर भी लिख सकते हैं कि विद होल एट इट्स साइड। ठीक है जी, ये आपने लिख देना है। फिर उसके बाद बाहर वाली जो ट्यूब है, बाहर वाली जो ट्यूब है वो हमने कैसे बनानी है, वो आपने करना क्या है कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भी थोड़ी सी क्या कर देना है, इसको क्लोज़ कर देना है, यहाँ से भी क्लोज़ कर देना है और यहाँ से भी क्या कर देना है, थोड़ा सा इसको क्लोज़ कर देना है। ठीक है जी, तो ये हमने क्लोज़ कर दी है, और ये वाली जो ट्यूब है इसे हम क्या कहेंगे, आउटर ट्यूब कहेंगे। ठीक है जी, ये वाली क्या है जी, आउटर ट्यूब। आउटर ट्यूब, समझ में आ जाएगी बात। तो ये वाली सारी चीज़ें मौजूद है। अब यहाँ पर जो है ये जो अंदर ग्रीन कलर का हमने डाला हुआ है, ये हमारा क्या होगा, सैंपल होगा, और सैंपल जो है ना आइदर इट कैन बी सॉल्वेंट भी हो सकता है या सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है जी, और यहाँ पर भी हमने क्या डाला हुआ है, सॉल्वेंट जो है वो डाला हुआ है, सॉल्वेंट के ही वेपर्स को हम बाहर भेज सक रहे हैं। अब यहाँ पर हम मेनली करते क्या हैं कि पहले हम सॉल्वेंट लेते हैं इनर ट्यूब के अंदर, और उसका क्या करते हैं, थर्मामीटर की मदद से बॉइलिंग पॉइंट मालूम कर लेते हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर सॉल्यूट डालते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन बनाते हैं, और सॉल्यूशन का थर्मामीटर की मदद से बॉइलिंग पॉइंट मालूम कर लेते हैं, वो थोड़ा सा क्या आता है, ज़्यादा आता है। तो डेल्टा टी, टी टू माइनस टी वन की मदद से हम क्या करेंगे, हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मालूम कर लेते हैं। तो ये था लैंड्सबर्गर मेथड, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मालूम करते हैं। जस्ट मैंने आपको डायग्राम बनाना सिखाई है, अगर आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना है कि आपने ये टॉपिक समझना है या नहीं समझना, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पूरा अगर आपने टॉपिक समझना है तो वो भी आपने बता देना है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट डायग्राम जो इसकी देखेंगे वो होगी हमारे पास किस चीज़ की, इसी का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, बैकमैन मेथड। तो उसकी डायग्राम जो है वो कैसे बनानी है वो भी हम देखेंगे, और उसके बाद NaCl जो है उसका क्रिस्टल लेटस, उसकी काफ़ी डिफिकल्ट सी डायग्राम होती है, वो भी बनाना सीखेंगे हम कि कैसे बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।